और एक कॉलर से बात करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। आज मैं आज आपने अलग पहलू उठाया, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, भ्रष्टाचार से लिप्त है जनता, और मैं भी मानता हूँ, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। कि इस देश में दो प्रकार के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, एक तो संबद्ध होने के लिए और एक दूसरा जीने के लिए, जो मजबूरी से करता है। बिल्कुल। इस देश में जब से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षण सेवा जब से व्यापारीकरण हुआ है, तब से जनता मजबूरी से भ्रष्टाचार करने लग गई है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार मिटाने की तो बात सब करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार उत्पन्न कहाँ से होता है, उसके बीच में यदि जाएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाने का भी कारण मिल जाएगा। सूरज जी, बिल्कुल। हाँ जी, और बात मैं एक गीत बनाया था भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन वो अभी बाद में दूसरी बार बताऊंगा। भ्रष्टाचार जो है ना, नस नस में फैल गया है, आज की तारीख में मजबूरी से नस नस में फैल गया है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार। जी 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 जी, बिल्कुल, अगली बार आपका गीत सुनेंगे। धन्यवाद कुंदन जी। हम यहाँ पर कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है, जरा देखिए। जनता का स्वार्थी होना, क्योंकि आज हर आदमी सोचता है कि सिर्फ मेरा काम निकल जाए, बाकी किसी का हो या ना हो, क्योंकि वो नहीं सोचता कि दूसरे के लिए ये काम जरूरी हो सकता है, और वो इतने पैसे या इतनी बड़ी सिफारिश नहीं लगा सकता। आम आदमी का देश के प्रति ईमानदार ना होना, क्योंकि आज लोग वायदे तो बड़े करते हैं कि देश के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन जब वास्तविक जिंदगी में भ्रष्टाचार की बात आती है तो हम स्वयं ही उसमें शामिल हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को सहते रहने की प्रवृत्ति, आज जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की इच्छा शक्ति तो है नहीं, अब तो जनता भ्रष्टाचार को सहने की आदी हो गई है, क्योंकि अब हर आदमी अपने काम निकलवाने का कोई न कोई पैसे या सिफारिश का जरिया ढूंढ ही लेता है। जनता का अपने वादों के प्रति ईमानदार न होना, क्योंकि जनता सड़कों पर उतर कर तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़े नारे लगाती है, और देशभक्तों के साथ भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था की बात करती है, और फिर कुछ दिन बाद भूल जाती है कि उसने कोई वायदा किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े देश प्रेमियों का साथ न देना, जब देश के गांधीवादी अन्ना हजारे जैसे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को जगाने का बिगुल बजाते हैं, तो देश की सारी जनता पूरी तरह से उनका साथ नहीं देती, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को धक्का लगता है। जनता के दो रूप, आंदोलन में अलग और वास्तविक जिंदगी में अलग, क्योंकि जनता जब आंदोलन में भाग लेती है तो वहाँ उसका रूप अलग होता है, और जब अपना काम निकलवाने की बारी आती है तो वहाँ उसका अलग रूप दिखाई देता है, इसलिए भ्रष्टाचार की मुहिम सही तरीके से नहीं चल पाती। तो ये कारण है, इसमें आप अपने तरफ से जोड़ भी सकते हैं, एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ। बिल्कुल दीजिए, स्वागत है आपका जी। भ्रष्टाचार हमी से शुरू होता है। अगर हम कहीं सरकारी जॉब पाना चाह रहे हो, कहीं एडमिशन लेना हो या कोई भी काम हो, तो हमें सबसे पहले घूस देनी पड़ती है, तो इसे बढ़ावा हम ही दे रहे हैं। अगर हम खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार कब तक कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही है। ये सिर्फ अन्ना हजारे की लड़ाई नहीं है, हर एक हिंदुस्तानी की लड़ाई है। बिल्कुल। तो इसलिए हम सबको पहले पहल करनी चाहिए, तभी जाके भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे जड़ से। बिल्कुल। नहीं तो सिर्फ अकेले अन्ना हजारे ऐसा नहीं कर सकते, इसमें पूरे देश का योगदान चाहिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति का योगदान चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आप क्या करती हैं? हाँ जी, आप क्या हाउसवाइफ है या व्यवसाय? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है, वाह, अच्छी बात है। धन्यवाद धन्यवाद सोलंकी जी। काफी युवा कॉल कर रहे हैं आज के बिंदास में, और शुरुआत से लेके ये भी युवा है, और आप भी कुछ कहना चाहेंगे जरूर। सुरेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट अभी देखने में आई है कि जो हमारी युवा शक्ति है देश की, वो इन विषयों को लेकर बहुत कंसर्न है, बहुत उसका ध्यान जा रहा है, और घरों से निकलने के लिए तैयार है, कि उसको अपना भविष्य भी दिखाई दे रहा है, कि इस भ्रष्टाचार के जो दलदल में उसका भविष्य भी कहीं फंसा हुआ दिखाई देता है। तो मैं एक रचना लिखी थी मैंने कभी, और इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम जब एक उंगली सिस्टम की ओर, नेताओं की ओर या अन्य उन पर करते हैं, जैसा कि अभी चल रहा है, सारे कॉलर्स एक बात को लेकर कह रहे हैं, तो मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी और उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं अपने दर्शकों को और आपको। कि मैं न कोई सूफी संत ना ही अवतार हूं,
कि मैं ना कोई साधु संत ना ही अवतार हूँ, ना मैं ता नशाहों का गुलाम चाटुकार हूँ। आंचल में जिसके जन्म मैंने पाया है, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूँ, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूँ। देश मेरा मंदिर और गीत भगवान है, जनता का प्यार मेरे लिए वरदान है। एक नया गीत नया राग लेके आया हूँ, नई क्रांति की नई आग लेके आया हूँ। मेरी लेखनी ही बंधु मेरी तलवार है, सच लिखना धर्म झूठ पे प्रहार है। तो कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है, 100 करोड़ लोगों का ना कोई एक मंत्र है। कोई तो पूरब कोई पश्चिम को दौड़ता, ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के उसमें ही आता है कि हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मान के अपने अपने एक छोटे दायरे बना लेते हैं, जिसके कारण जो अवसरवादी लोग हैं या भ्रष्ट लोग हैं उनको अवसर मिलता है। तो जनता का भी कहीं यहां दोष है, वो मैं कहना चाहता हूं कि कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है, 100 करोड़ लोगों का न कोई एक मंत्र है। कोई तो पूरब कोई पश्चिम को दौड़ता, और कोई उत्तर को दक्षिण से तोड़ता। लगता क्यों देश जैसे कोई एक सराय है, लगता क्यों देश जैसे कोई एक सराय है। भ्रष्टाचार लगता क्यों जैसे व्यवसाय है, भ्रष्टाचार लगता क्यों जैसे व्यवसाय है। और कहना चाहता हूं कि बस हो या रेल, चाहे गांव की चौपाल हो, जनता की बात करता हूं, कहां कहां बैठ के हम बातें करते हैं कि बस हो या रेल, चाहे गांव की चौपाल हो, शिमला का माल रोड मुंबई की चाल हो, ड्राइंग रूम चाहे पान नाई की दुकान हो, पार्क वाली धूप चाहे ऊंचा सा मकान हो, या जो नुक्कड़ों पे बैठे लंबी लंबी हाँकते, या जो नुक्कड़ों पे बैठे लंबी लंबी हाँकते, अपने गिरेबा में भी क्यों नहीं वे झांकते। कितना बताओ हमें भारत से प्यार है, कितना बताओ हमें भारत से प्यार है। कौन तन मन धन देने को तैयार है, और नेताओं में बैठ के जो गलती निकालते, नेताओं में बैठ के जो गलती निकालते, घर से निकल वोट तक नहीं डालते, जाति पाति भाषा धर्म का भी विषय घोलते, रोज हिंसा देख के भी मन नहीं डोलते। ऐसी स्थितियों में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उन बलिदानियों की क्या मनस्थिति होगी कहीं, अगर जो उनकी आत्माएं विचरती होंगी, रूहें विचरती होंगी, कि नेताजी सुभाष भी तो होंगे बेचैन जी, नेताजी सुभाष भी तो होंगे बेचैन जी, शेखर भगत सिंह के रोते होंगे नैन जी। आज बिस्मिल का वो बलिदान पूछता, नाना अशफाक का भी प्राणदान पूछता, रानी लक्ष्मीबाई वाला बलिदान पूछता। और क्या पूछता है कि क्यों ये चारों ओर भ्रष्टाचार वाली तान है, क्यों ये चारों ओर भ्रष्टाचार वाली तान है। जिसके लिए मिटे थे क्या ये हिंदुस्तान है, जिसके लिए मिटे थे क्या ये हिंदुस्तान है। तो चाहते हो घर बच जाए हिंदुस्तान जी, चाहते हो घर बच जाए हिंदुस्तान जी, दिलों में जलाए सभी क्रांति की मशाल जी, दिलों में जलाओ अब क्रांति की मशाल जी। इस विषय पर हमने जो SMS पोल किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि पहला SMS पोल ब्रेक तक जाने तक क्या था। जरा स्क्रीन पर देखिए जो आपने अभी तक SMS किए हैं, क्या कहते हैं। 60% लोग कहते हैं, 60% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में जनता की भी भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन 40% लोग अभी भी मानते हैं कि जनता ईमानदार है। आपका क्या कहना है, आप SMS करके भेज सकते हैं 5 35 36 इस नंबर पर। अब हम चलते हैं कॉलर के पास, उनकी बात सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। मेरा मानना ऐसा है कि हमारे देश में अभी नैतिक शिक्षा की कमी है, जिसके लिए हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति एक जवाबदार नागरिक बनाना सबसे पहले जरूरी है, जिसमें हर माँ बाप और सभी धर्मगुरु और अध्यापकों की बहुत बड़ी जवाबदारी है। बिल्कुल। बच्चे को पहले से ही, शुरू से ही उसको राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व दिया जाए, जिससे नैतिक शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे वो बड़ा होके एक देश का जवाबदार नागरिक बन सके और भ्रष्टाचार को दूर करने में मदद कर सके, खुद भ्रष्टाचार ना करे और दूसरे को भ्रष्टाचार ना करने दे। बिल्कुल। और सहभागी ना बने। वाह, बड़ा अच्छा आपने उपाय बताया है। हम उपाय पर भी जाएंगे, लेकिन इस धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम यहाँ नजर डालते हैं परिणामों पर। हम आपके सामने परिणाम के पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या है। छत्तीसगढ़ बस्तर से। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये सरकार का कैसा रवैया है सर, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए हो जाता है तो उसके ऊपर साजिश किया जाता है। जैसे रामदेव बाबा है, अन्ना हजारे के सहयोगी हैं, ये क्या कर रहे हैं सरकार भाई,
भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही देना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है। कैसा आप ऐसा आप कैसे कह रहे हैं ऐसे? तो जो भी सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा दिया जाता है, ये किस तरीके का ये? बिल्कुल धन्यवाद। सच्चाई के लिए लड़ने वाले अगर रामदेव बाबा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी, बिल्कुल धन्यवाद, शक्तिशाली ऐसे व्यक्ति को भी अगर इतना परेशान किया जाएगा तो आम आदमी का क्या हो सकता है? ये सवाल तो बराबर है, लेकिन इसका जवाब भी तो है और वो जवाब आपको हमको ढूंढना है। इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम है। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। नमस्कार। हेलो जी सर, मैं ये हेलो हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़े हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। सर मैं ओम प्रकाश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। कहाँ से और बोल रहे? मैं इस वक्त सऊदी अरबिया में हूँ और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। बोलिए। बिल्कुल सर, मैं यही इतना कहना चाहता हूँ कि जो इंसान सच्चाई के मार्ग पे चलता है, हाँ, उसे दर दर पे ठोकर देती है सभी लोग, ये मतलब जो गलत लोग हैं। और मैं अन्ना हजारे जी का एक तरफ से पूरे देशवासियों को यही कहना चाहूंगा, इस वक्त मैं इंडिया में नहीं हूँ, बाहर हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा जिस सच्चाई पे अन्ना हजारे जी चल रहे हैं उनमें हम सभी को साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और ये सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और भ्रष्टाचार काले धन का मुद्दा जो है, ये सरकार जो खिलाफ जा रही है उसके, इसको सबक लेना चाहिए अन्ना हजारे जी से कि इसमें अगर एकता पूरे इंडिया की बन रही है तो इसको इसमें ज्यादा ताकत है, या फिर भ्रष्टाचार में जो उसका ऊपर आवाज नहीं उठा रही है। सर बिल्कुल धन्यवाद। हम परिणाम पर भी नजर डालते हैं कि क्या परिणाम देखे आपके सामने। भ्रष्टाचार के खिलाफ चली मुहिम को धक्का लगेगा अगर जनता पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ चली मुहिम में पूरी तरह से साथ नहीं देगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चली मुहिम को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ जाएगा। अगर जनता ऐसे ही दो तरह का व्यवहार करती रही तो भ्रष्टाचारी नेता अधिकारी और दबंग हो जाएंगे और एक दिन देश की पूरी व्यवस्था को ही भ्रष्ट कर देंगे। देश भ्रष्टाचार की सूची में सबसे ऊपर होगा। अगर आए दिन ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक सबसे बड़ा भ्रष्टतंत्र बन जाएगा और आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नीति नहीं बनाएगी। जब जनता ही सरकार पर दबाव नहीं बनाएगी तो भ्रष्ट सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो भी कोई ऐसी नीति नहीं लाएगी जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। अगर जनता ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख अपनाती रही तो देश से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। नेताओं और अधिकारियों की ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी और एक दिन पूरा ही तंत्र भ्रष्ट हो जाएगा। देश का नंबर वन बनने का सपना टूट जाएगा। अगर भ्रष्टाचार ऐसे ही हमारी व्यवस्था को खाता रहा तो एक न एक दिन पूरा तंत्र भ्रष्ट हो ही जाएगा और देश का विकास रुक जाएगा, जिससे हम विकास करने की बजाय और गर्त में चले जाएंगे। तो ये कारण है कि एमएमएस देखते हैं, उन ओ इसमें क्या जोड़ते हैं, परिणाम के साथ इस एमएमएस को देखते हैं। जहां आज पूरा देश चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन आम आदमी ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि हमसे हर जगह आदमी यह सोचता है कि जब तुम्हारा काम हो रहा है कम पैसे देकर जल्दी हो रहा है तो वो करने सोचता है। जैसे कि मेरे सामने दो दिन पहले पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया तो बोल रहा है तुम्हारी पर्ची कटेगी, लेकिन मैं सिर्फ 50 रुपये देकर उसको पटा लिया। अगर ऐसा ही होता रहा, अगर खुद भ्रष्टाचार फैलाएगा तो कैसे रुकेगा?